वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप। उसके लिए मैंने थोड़ा सा कटा लहसुन, थोड़ा सा कटा अदरक, छोटी सी शिमला मिर्च कटी, पत्ता गोभी थोड़ी सी हरी प्याज, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी गाजर और सफ़ेद पांड लिया है हरी प्याज का, 1 चम्मच बटर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर लेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, टमाटर केचप लेंगे, रेड चिली सॉस लेंगे, विनेगर लेंगे, सोया सॉस लेंगे। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें बटर ऐड कर दिया है। थोड़ा बटर को गर्म होने देते हैं। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन, अदरक, हरा प्याज का सफ़ेद पाउडर ऐड कर देंगे और कुछ सेकेंड सॉटे करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे, गाजर, मटर, हरी प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। चाहे तो आप अपनी पसंद की भी सब्जियां ले सकते हैं। और कुछ सेकेंड सॉटे करेंगे। अब नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। हमारी सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमारी सब्जियों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें काली मिर्च कुटी 1/2 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच टमाटर केचप, 1/2 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। और कुछ सेकेंड पकने देंगे। अब कॉर्नफ्लेयर ऐड कर देंगे। उसमें हमने थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लिया था। 1 हाथ से डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे जिससे लम्स ना पड़े। और 2-3 मिनट हम सूप को और पकने देंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। हमारे सूप को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और यह सूप सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। हमने सूप को सर्व कर लिया है। ये हेल्थी सूप हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। इसको गर्मा गर्म सर्व करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।